आज बात करेंगे यार टॉप 5 बेस्ट राउंड डायल स्मार्ट वॉचेस अंडर 5000 पे। तो ये सारी की सारी जो वॉचेस होने वाली है सर्कुलर डायल के ऊपर होने वाली है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार एक वीडियो इस पे भी बना दो और बजट की होनी चाहिए, तो आ गया हूँ मैं आप लोगों की फरमाइश पे ये वाली वीडियो भी लेकर। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैंने काफी सारी टॉप 5 से रिलेटेड स्मार्ट वॉचेस की वीडियोस बनाई है और उस पर आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया है। यहाँ पे जो ये मेन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सर्कुलर डायल के ऊपर, और मैंने किन किन बेसिस पे इन स्मार्ट वॉचेस को कंसिडर किए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी वही चीज है जो हमेशा रहती है, एक्यूरेसी। सेकेंडली यहाँ पे आपको डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे सारी वॉचेस आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाली है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, मार्च के एंड तक 20K कराने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ लाइक जरूर करना, एल्गोरिदम पे इफेक्ट पड़ता है और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। नंबर 5 पे जो स्मार्ट वॉच है ये है आपकी हाइलो की तरफ से आने वाली RT2, जिसकी मैंने हाल ही में रिव्यू वीडियो भी बनाई थी और काफी कमाल की स्मार्ट वॉच है यार। ये आपको Amazfit GTR 2 जैसी फीलिंग देगी, बिल्कुल ही हूबहू वैसी ही लगती है। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.35 इंच की रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ, और रेटिना डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही तगड़ी है यार। आउटडोर इनडोर कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने काफी ज्यादा यूज करके देख ली है ये स्मार्ट वॉच। साथ ही यहाँ पे आपको कस्टम वॉच फेस लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी विजिबिलिटी भी आपको काफी अच्छी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेटेलिक फ्रेम के साथ आती है ये स्मार्ट वॉच, साथ ही साथ बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको काफी टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। 22mm के यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं और स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। हेल्थ फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटर और ब्रीथ मोड जैसे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो 12 डेज का बैटरी बैकअप है। जब से वॉच आई है तब से मैंने बताया भी था आप लोगों को, चार्ज नहीं करी थी, अब जाके मैंने इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करी है। साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंट में आपको IP68 देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है कि आप इस वॉच से स्विमिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक फीचर्स में आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही बात करूं मैं स्पोर्ट्स मोड की तो 12 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है और काफी तगड़ी एक्यूरेसी मिलती है आपको स्पोर्ट्स मोड में भी, क्योंकि इन ऐप GPS देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यार यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच में आपको 90-95% एक्यूरेसी मिलती है। मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो ये वॉच आप लोग जरूर से चेकआउट कर सकते हो। प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस अक्सर 3500 से 4000 के बीच में रहता है, तो जब भी आपको ये 4000 या 3500 में मिले बिल्कुल ले सकते हो। 4th नंबर पे स्मार्ट वॉच है पेबल लीप, जो कि आपको एक रगेड स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है सर्कुलर डायल में, और काफी बढ़िया यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है इस स्मार्ट वॉच की भी। पेबल लीप की भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने, वो भी आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS HD डिस्प्ले, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफी कमाल की है यार, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये बात मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे आउटडोर में भी मैंने काफी ज्यादा यूज किया है, एज सच अभी तक कोई दिक्कत फेस नहीं करी है। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी काफी तगड़ी है, मैंने अपनी वीडियो में दिखा रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। हेल्थ ट्रैकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको SpO2, हार्ट रेट के डेडिकेटेड सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मॉनिटर भी मिल जाता है। साथ ही ये स्मार्ट वॉच आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ भी मिल जाती है, जो कि काफी सही चीज लगी। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो कॉलिंग के साथ 1 से 2 दिन और विदाउट कॉलिंग के आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। साथ ही बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट मिल जाता है। 10 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही बात करूं प्राइस की तो ये स्मार्ट वॉच आपको अंडर 4000 मिल जाएगी बहुत ही इजीली, अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूंगा, वैसे सारी वॉचेस की डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अंडर 4000 ये ऐसी वॉच है रगेड में जो कि आपको IP68 के साथ मिल रही है, 7 नहीं 8 है यहाँ पे, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है, एक प्लस पॉइंट है इस स्मार्ट वॉच के साथ। 3rd नंबर पे जो स्मार्ट वॉच है वो है ब्लिट्ज वॉल्फ की तरफ से आने वाली स्मार्ट वॉच, जिसका रिव्यू वीडियो भी मैंने हाल ही में बनाई है, और इससे ज्यादा प्रीमियम स्मार्ट वॉच इस प्राइस रेंज में आपको कोई और चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको 1.35 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है रेटिना, और रेटिना डिस्प्ले की आप लोगों को क्वालिटी पता है कितनी तगड़ी होती है, तो मैंने यहाँ पे आउटडोर इनडोर काफी ज्यादा यूज किया। आउटडोर में मैंने सनलाइट में यूज किया इसको, विदाउट सनलाइट भी यूज किया, तो काफी तगड़ी यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलती है डिस्प्ले की। साथ ही साथ आपको कस्टम वॉच फेस लगा
दिखाने का ऑप्शन भी मिल जाता है इस स्मार्ट वॉच में। तो हाँ यार, यहाँ पे विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। साथ ही बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे आपको मेटेलिक फ्रेम मिल जाता है, पैक साइड में पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच लगती है। स्ट्रैप की बात करूँ तो 22mm का स्ट्रैप है और रिप्लेसेबल है, तो आप आफ्टर मार्केट स्ट्रैप भी लगा सकते हो। वैसे तो जो इसमें लगी आई है वही सबसे बढ़िया है। साथ ही यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है इस स्मार्ट वॉच में, और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 2 दिन का ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ और विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है। वॉच फेसेस भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इनबिल्ट मिल जाते हैं, 20+ वॉच फेसेस दिए गए हैं इस वॉच के अंदर ही, बाकी आप एप्लीकेशन के थ्रू भी लगा सकते हो। हेल्थ ट्रैकर्स में आपको SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक फीचर की बात की जाए तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट में आपको IP67 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है, मतलब आपको पानी वगैरह में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉलिंग वॉच है तो ज़्यादातर कॉलिंग वॉच में मैंने पहले भी बताया कि IP67 ही आता है, तो इसका प्राइस भी आपको अंडर 4000 मिल जाएगा इजिली। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ कूपन कोड भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो यहाँ पर 12 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं और स्पोर्ट्स मोड में भी आपको काफ़ी तगड़ी एक्यूरेसी मिलती है, मैंने अपनी रिव्यू वाली वीडियो में दिखा रखा है। तो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल से देखनी है, जितनी भी स्मार्ट वॉच बता रहा हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सबकी डिटेल में रिव्यू मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे जो स्मार्ट वॉच है वो है डिजो वॉच आर। आप लोगों को पता है रिलॉन्च हुई है और मैंने रिलॉन्च की भी रिव्यू वीडियो बनाई है। तो डिजो वॉच आर में आपको 1.3 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की क्वालिटी ना यार काफ़ी कमाल की है। आप लोगों को जैसा कि पता है, आप लोगों को ऑलरेडी मैं दिखा भी चुका हूँ, डिस्प्ले में आपको इनडोर आउटडोर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही कस्टम वॉच फेस भी आप लगा सकते हो और कलर एक्यूरेसी वगैरह बहुत अच्छी देखने को मिलती है। विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, हाँ थोड़ी सी आपको AOD में दिक्कत हो सकती है, वो भी सनलाइट में, अदरवाइज नॉर्मल अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है डिजो ने। स्ट्रैप की क्वालिटी आपको सही देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा तगड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं, डस्ट वगैरह काफी जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। हेड ट्रैकर्स की बात करूँ तो इस स्मार्ट वॉच में आपका CO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप अलार्म भी लगा सकते हो इसी स्मार्ट वॉच से, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में 110 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिलता है। वाटर रेजिस्टेंट में 5 ATM देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करूँ इसके प्राइस की तो ये जब सबसे पहले लॉन्च हुई थी 3500 की हुई थी, फिर 3600 की हो गई, अभी ये 4000 रुपये की आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी क्या क्या इसके इश्यूज थे और वो रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, उन सब के बारे में आप जाके रिव्यू वीडियो देख सकते हो मेरी, जो मैंने रिलॉन्च वाली बनाई है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वॉच पे। तो नंबर 1 पे जो स्मार्ट वॉच है, नंबर 1 नहीं कहूँगा मैं अभी, इसके बाद एक मेरा सजेशन भी है, लेकिन ये अंडर 5000 है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और जो मैं बाद में बताऊँगा वो 500 रुपये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है फायरबोल्ट अल्माइटी। डिस्प्ले की बात करते हैं इसकी, सबसे पहले 1.39 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इसकी कलर एक्यूरेसी काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। इनडोर आउटडोर कहीं पे यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, हाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, अदरवाइज नॉर्मल डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कस्टम वॉच फेस भी यहाँ पे आप एंड्रॉइड से लगा सकते हो बट iOS से नहीं लगा सकते हो, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रैप की बात करूँ तो 22mm का स्ट्रैप मिल जाता है, 2 स्ट्रैप मिलते हैं आपको, एक सिलिकॉन और एक लेदर फिनिश में, तो याद रखना लेदर नहीं है, लेदर फिनिश है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो जिंक अलॉय फ्रेम मिल जाता है और काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है स्मार्ट वॉच भी। बैक साइड में प्लास्टिक का यूज किया गया है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है इस स्मार्ट वॉच की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके हाईलाइट फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, सिरी और गूगल दोनों का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा BP मॉनिटर भी मिलता है। बेसिक फीचर्स में आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा 11 स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं। एक्यूरेसी की बात करूँ तो इन ऐप GPS मिलता है, इसलिए स्पोर्ट्स मोड में भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है, बट SpO2 का सेंसर इसका इतना खास मुझे नहीं लगा है, थोड़ा सा मुझे फेक लगा है, अदरवाइज हार्ट रेट का सेंसर काफ़ी अच्छा है। वाटर रेजिस्टेंट की बात की जाए तो IP67 देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच में।
बात करूँ बैटरी बैकअप की तो कॉलिंग के साथ 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, अदरवाइज 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। बात की जाए इसके प्राइस की तो अंडर 5000 आपको इजीली मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे जब भी अवेलेबल हो ले सकते हो, बहुत कम ही अवेलेबल होती है, आते ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अभी बात करते हैं जो मेरा सजेशन है कि अगर आप लोगों का बजट 5000 है तो थोड़े से पैसे और मिला के, मतलब 500-500 रुपये मिला के आप एक और अच्छी स्मार्ट वॉच ले सकते हो, और ये स्मार्ट वॉच है क्रॉसबिट ऑर्बिट एक्स। तो यहाँ पे बात करते हैं अभी ऑर्बिट एक्स की कि क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको 1.35 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो सबसे बढ़िया है एमोलेड डिस्प्ले में अभी तक जितनी मैंने बताई है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और एक्यूरेट कलर प्रोवाइड करती है स्मार्ट वॉच, साथ ही साथ आउटडोर में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो AOD हो या फिर नॉर्मल वॉच फेसेस हो। तो हाँ, डिस्प्ले में नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मेटेलिक फ्रेम मिल जाता है, बैक साइड में आपको यहाँ पे ग्लास फिनिश दिया गया है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लगती है। स्ट्रैप में आपको 20mm का स्ट्रैप मिल जाता है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी लाजवाब है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके स्ट्रैप में भी। इसकी भी मैंने रिव्यू वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो इस स्मार्ट वॉच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यार बस यही थी आज की वीडियो, करता हूँ लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना यार, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।